नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 4 और 5 जुलाई का समय जो ग्रहों की स्थिति होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में ग्रहों की क्या स्थिति होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का श्राप के जीवन काल पर क्या होंगे, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य यश में आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन्हें दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दो दिनों में और भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दोनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 4 जुलाई की बात करें तो रविवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और अश्विनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो सुकर्मा नाम के योग के बाद इस दिन धृति नामक भी योग रहने वाले हैं और ये आपके कार्य क्षेत्र और आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति आपको देने वाली है। इस दिन दोस्तों राहुकाल का समय होगा शाम के 5:32 से लेकर शाम के 7:12 तक। दोस्तों ध्यान रहे आप इस दिन राहुकाल के समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें और चंद्रमा इस दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन होगा, भगवान भोलेनाथ का दिन होगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी और भरणी नाम का नक्षत्र इस दिन रहने वाले हैं। जी दोस्तों इस दिन की कृतिका भी नक्षत्र रहेगा, शादी धृति नामक योग के बाद शुरू नाम का भी योग प्रारंभ होगा जो कि आपके लिए कई प्रकार की लाभकारी स्थितियां आपको देने वाली है। राहुकाल के समय की इस दिन बात करें तो दोस्तों यह समय रहेगा सुबह के 7:30 से लेकर सुबह के 9:10 तक और दोस्तों चंद्रमा इस दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करेंगे और दोस्तों चंद्रमा इस दिन मेष राशि के उपरांत वृषभ राशि में संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह गोचर आपके जीवन काल में क्या क्या प्रभाव लेकर आती है, चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय मंगल का गोचर हो रहा है जो करियर तथा व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा और उन्नतिदायक होने के साथ साथ यह सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आत्मविश्वास से किए गए कार्यों में यह समय आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, धन अचल संपत्ति का अच्छा योग है। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके सगे संबंधियों से आपके जो संबंध है वह बेहतर होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव यानी सावधानी को लेकर बात करें तो ये जो दिन होगा आपके लिए मिला जुला रहेगा, कई बातों को लेकर जो है आप यह समय चिंतित हो सकते हैं जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से आप जो है अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है, वाणी पर यश में आप जो है संयम बना रखें, इससे जो है परिवार में सुख शांति आप बना पाएंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे कुछ नई परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, आपको अपने स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ विपरीत स्थितियाँ जो है आपको यह समय बेचैन कर सकती है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप यश में अवश्य सुने। ये जो समय होंगे आपके लिए अपनी भावुकता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, यदि कोई परेशानी चल रही है तो दोस्तों वे जल्द ही हल हो जाएंगी, असमंजस की स्थितियाँ यह समय जो है हो सकती है। दोस्तों बिना किसी गहन सोच विचार की कोई भी आप यह समय जो है निर्णय न लें, किसी एक्सपर्ट या फिर काउंसलर से आप यह समय सलाह ले लें, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष पर आप पहुँचें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय होंगे आपके करियर के मामले में काम में मन नहीं लगेगा, करियर के चुनाव के लिए किसी का सलाह अवश्य लें। लेकिन फिर भी दोस्तों ये जो समय होंगे ग्रहों की स्थिति के कारण नौकरी में तरक्की के योग रहेंगे, कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार आपको मिल सकता है, कार्यों में सफलता से आपकी आर्थिक स्थिति जो है यश में मजबूत होंगी। दोस्तों यश में दिया हुआ धन जो है आपको वापस मिल सकता है, लेन देन से आप यश में बचें। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में किसी भी तरह की कोई गुप्त चर्चा करने की आप कोशिश ना करें, आप अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ कई इन दिनों में घूमने का विचार बना रहे हैं तो दोस्तों जीवन साथी के सहयोग से आप बाहर की यात्रा करने में जो है सफल हो जाएंगे। वही दोस्तों इन दिनों में परिजनों के साथ किसी बात पर जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है, इन बातों का आप ध्यान रखें और तनाव उत्पन्न की जब स्थिति बन रही हो तो आप अपने वाणी पर जो है संयम रखें।
दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो अगर हेल्थ से कोई भी समस्या यश में दिख रही है तो दोस्तों तत्काल किसी विशेषज्ञ की आप सलाह लें। दोस्तों ये जो समय होगा आपके लिए अत्यधिक तला भुना अथवा वसायुक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरी और भाग्यशाली अंक रहेगा 8। दोस्तों यश में गणेश जी कहते हैं कि आप अपने मित्रों और परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान होंगे, हमेशा की तरह लोगों के प्रति सहायक होने में विश्वास करते हैं, परंतु आप यदि अच्छी परिस्थिति में होंगे तो आपको किसी का मार्गदर्शन करना पसंद आएगा। आपके पास किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई अपेक्षाओं को किसी भी रूप में आप जो है यश में पूरी कर सकेंगे और इसके द्वारा आप उसके पास से ढेर सारी शुभकामनाएं के अधिकारी बनेंगे। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए यह अवसर खोने जैसा नहीं होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय गणेश जी के अनुसार आपके लिए तनावपूर्ण लेकिन फिर भी प्रोत्साहनजनक दिन होगा। सुबह के समय प्रेशर कम होगा लेकिन दोस्तों लंच के बाद जो अचानक से ये प्रेशर है वह बढ़ सकता है। आप जो है जितना संभव हो सके अपने काम को ख़त्म करना चाहेंगे। आपकी जो लॉजिकल और एनालिटिकल क्षमता अपने बेहतर स्तर पर होगी और आपको काफ़ी मदद करेगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो समय होगा आपके पारिवारिक जीवन के लिए आप अपने प्यार के साथ प्यार भरी बात अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आपको अपने पीर से बदले में अच्छे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो दोस्तों ये जो समय होंगे आप अपने रिश्तों में एक कदम आगे बढ़ाने का समय होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे पैसे के मामलों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला समय होगा। गणेश जी के अनुसार ये जो समय होंगे आपके लिए कई कैलकुलेशन एक्सेल फाइलों के अलावा वो सब काम करेंगे जो पैसे से जुड़े हैं, लेकिन आप उचित समाधान यह समय जो है नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे गणेश जी कहते हैं कि आप बहुत ही स्थिर होंगे और अपने लंबित काम को ख़त्म करने की जो है कोशिश करेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है इसमें ठीक रहेगा लेकिन आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे, इसलिए गणेश जी का सलाह है कि हमेशा खुद पर ही भरोसा रखें। इन दिनों के शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। रोमांटिक मुलाकात जो है बहुत रोमांचक रहेगी यह समय, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होंगे। वहीं दोस्तों सही दिशा में ईमानदारी से उठाए गए कदम जो है निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। अगर आप अपनी चीज़ों का जो है इसमें ध्यान रखेंगे तो दोस्तों उनके खोने या फिर चोरी होने की संभावना इसमें नहीं होंगी। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप गणेश जी पर हरी दुर्वा चढ़ाने से आपका जो प्रेम संबंध है और भी मधुर बने रहेंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो दोस्तों प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। या दोस्तों ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा अर्थात उनका विनाश होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति करने में आपके लिए सहायक साबित होंगे। तो दोस्तों इन उपायों को आप यश में से शुरू कर दें, ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। और साथ ही दोस्तों ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।